गाइस हम लोगों ने अभी सिक्योरिटी चेक किया है और वाले लोगों को देखो यहाँ सिक्योरिटी चेक पे बैठ के काम कर रखी है कभी किसी ने। बैक बेंचेस की तरह हमने सबसे पीछे वाली सीट ली है, बस ठीक करनी है यार, ठीक करनी है। ऐसे में पहाड़ों पे साथ में जो दिल्ली में वापस आते गर्मी में दो जैकेट उतार के 28 डिग्री टी शर्ट ना मतलब दिल्ली की ठंड तो भूल चुके हैं हम लोग। तो कुछ कह रहे हैं ठंड हमारे साथ कुछ लोग अभी भी जैकेट पहने बैठे हैं यार, अब क्या करें, घर जाके उतारे ब्लॉगर, हमारा ब्लॉगर भी नहीं उतार पा रहे जैकेट भाई, दो बंदे मिलके तो उठा रहे हैं। अबे क्या कर रहा है, बलियान में पिचक जाएगी। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी। सनराइज। सो गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम द मोरजिम बीच राइट नाउ, और हम लोग सुबह सुबह पहली बार पहुँच चुके हैं सनराइज पे, जबकि सनराइज यहाँ से नहीं होता, यहाँ पे सनसेट होता है। सनराइज अभी हो चुका है एंड व्हाट अ व्यू मैन। मतलब जब भी बीच पे जाते हैं ना, जो फर्स्ट व्यू ऑफ द बीच होता है ना, वो अमेजिंग ही होता है, मज़ा आ जाता है मतलब देख के। यहाँ पर वो सर्फिंग कर रहे हैं, मेरे सर्फिंग करने का भी बहुत मन है लेकिन बहुत मुश्किल भी होती है मैंने सुना, और थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है अच्छी तरह। जा 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 जा, चले जा, रुकियो मत। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं सरप्राइज ट्रिप इन गोवा। हम लोग रुके हैं अपने रिजॉर्ट में फाइनल, और अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग के। एज यू नो ट्रेडिशन जो है हमारा, सबसे पहले उठते ये काम करना होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट या जो भी तैयार व्यार होने तक करते हैं। तो हम पहले तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करें, हम किस किस के साथ आए हैं। हेलो ब्रो, हेलो, व्हाट्स अप, यू रेडी फॉर स्विमिंग गोवा? वेयर आर वी? गोवा। यो ब्रो, चिल्लाओ यार, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए ना। चलो नहाने के बाद एक्साइटमेंट दिखाएंगे, एंड जिसकी वजह से ये सरप्राइज ट्रिप बनी है, बर्थडे की ट्रिप। यो ब्रो, आगे आ जा। यो ब्रो, व्हाट्स अप? मेरी वजह से ट्रिप बनी है, मेरी वजह से इसका व्लॉग भी खराब होगा। व्लॉग खराब बोल करना नहीं है इस बार। हां, एक्साइटमेंट, स्विमिंग के शॉट्स दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने बाहर टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वाटर प्रूफ कवर लगा चुका हूँ तो आवाज नहीं आएगी, एडजस्ट कर लेता। Good morning from Goa, Goa. This is what we call a good morning.
वो मेरी गलती थोड़ी है। तो गाइस हम लोग स्विमिंग वगैरह कर चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब लोग अभी कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है, वर्क फ्रॉम तो गाइस हम एक्चुअली हुआ क्या है, दिल्ली से आए थे तो हमें पता नहीं था कि गोवा में गर्मी होती है, तो हमने अपने जैकेट वगैरह सब लिया है। अब बस ये गरीब रात को पहनने वाले शॉर्ट्स थे तो हम शॉर्ट्स लेने जा रहे हैं, कुछ कपड़े लेने जा रहे हैं। इतनी गंदी गर्मी है, मतलब ऑपोजिट दिल्ली का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे और जो 25 किलो का सामान लेके आए थे उसके साथ 10 किलो और लेके जाएंगे, 10 किलो और लेके जाएंगे और फिर वहाँ की गर्मियों में काम आएगा, क्योंकि दिल्ली की गर्मियाँ ऐसी होती हैं जैसी यहाँ की सर्दियाँ होती हैं और गर्मियाँ भी होती हैं। भाई इतनी ज़बरदस्त गर्मी है भाई, मैंने इस हिसाब से कपड़े नहीं रखे थे, लेकिन चलो अच्छी बात है टी शर्ट्स वगैरह रखे थे। वो तो शुक्र है कि मैंने चिराग ग्रोवर ने इतना अच्छा रिजॉर्ट बुक कराया कि स्विमिंग पूल था, मैंने मेरी चॉइस थी, झूठ बोल रहा है, मानो मत। ये लेना था हॉस्टल, ठीक है, एयरपोर्ट के पास से लेके रात तक फ्लाइट लेनी थी मुझे। बाय द वे वी आर स्टेइंग इन दिस कोको माया रिजॉर्ट इन नॉर्थ गोवा, मोरजिम के पास है ये, मोरजिम बीच के पास, एंड दिस इज द अमेजिंग पूल। और हम लोग अभी जा रहे हैं कहाँ, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, जहाँ दुकान मिल जाए फॉर माय फेवरेट काम शॉपिंग। तो जब तक उसको काम करना है तब तक दिन में वैसे भी हम कहाँ ही घूमने जाएंगे, तो आज हम थोड़ा सा चिल वाला डे करेंगे और कल से हमारा असली शुरू होगा, बट आज भी हम कुछ ना कुछ तो एडवेंचरस करेंगे ना। तो भाई सब मेरे साथ बोलो एक बारी, आए बैगन। तो हमने सबसे पहले गोवा में आते ही एयरपोर्ट पर पिकअप करी अपनी रेंटेड थार, जो कि हमें बहुत सस्ती मिल गई 1200 रुपये में। कैसी लग रही है, बहुत सही ना, मजाक कर रहा हूँ हम, हमारी बलेनो है। तो हम लोगों ने ये रेंट करी है क्योंकि ये ऐसे गंदे मजाक करता रहता है, मैं बता नहीं रहा। ये हमें लेके गया था मनाली के लिए घर से और गोवा ले आया, ऐसा मजाक करा है इसने। मतलब ट्रेंड से हट के काम करते हैं जो भी करते हैं, वहाँ पे इतनी बढ़िया बर्फ पड़ी हुई है, हम लोग गोवा में गर्मी में घूम रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। 15 घंटे की करनी थी। तो गाइस क्या व्यू आ रहा है मेरे राइट साइड पे, इतना बढ़िया व्यू है, मेरा मन है कि रुक के फोटोज वीडियोस क्या क्या शूट करूं मैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त गर्मी है ना, मतलब 30 डिग्री आराम से लगा लो मेरा, मैं जा रहा हूँ भाई, तुम ले भाई, ले चला मैं जा रहा हूँ। जहाँ ना रुका क्यों हुआ है, फोटो क्लिक करनी है क्या भाई, गर्मी ने रोक रखा है कसम से बता रहा हूँ भाई, लोग नहा रहे इतनी गर्मी में भाई, हिम्मत है यार। मतलब हम भी करेंगे लेकिन हम आज पहले दिन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर पहले दिन शक्लें खराब होंगी तो फोटो अच्छे नहीं आएंगे, वीडियो अच्छी नहीं आएगी, इसलिए बेटर है। He's racist. He wants to say that कि जब टैन हो जाते काले हो जाते तब अच्छे नहीं लगते। रेसिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि गोरे लोग काले हो जाए, काले लोग गोरे हो जाए, जो जैसा है वैसा रहना चाहिए। आप इसकी वीडियो को अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, माँ बहन एक कर दो, ब्लॉक ही करवा दो तुम मुझे, माँ बहन एक करो। 1500 सब्सक्राइबर हुए इतनी मुश्किल से मेरे घिस घिस के 2 साल में, तो गाइज और बड़ा होना यार, कर क्या रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब करो। Guys, just look at the view, man. This is khalasa, bilkul. What a view. Guys, तो हम लोग थलासा आए हैं, गोवा में एक थलासा करके क्लब है। पहले तो तुम लोग व्यू देखो, इतना अमेजिंग मेसमराइजिंग व्यू है, लेकिन सारा व्यू कहाँ खराब हो जाता है, यहाँ। अबे यहाँ थोड़ा मेंटेन कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा खर्चा यहाँ कर लेते। हमारे बर्थडे बॉय को हेलो बोलो भाई साहब, 32 के हो गए हैं, 36 के बाद क्या आते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर जाओ उधर जाओ, चिराग तू भी जा। लंबू, दुबई वाले लंबू भैया जी, वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये गाइस हमारा रूम था जो मैं पहले नहीं देख पाया, हालत हमने ख़राब कर दी थी रूम की। इट वाज ब्यूटीफुल स्पेशियस एंड
इसका सबसे स्पेशल बात ये बालकनी व्यू, रात को बैठ के चिल करने के लिए एंड फ्रेश एयर, फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन।